जो कांग्रेस की बर्बादी हुई है, निरंतर ग्राफ गिरता जा रहा है। अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो राहुल गांधी जी हैं और राहुल गांधी जी की टीम है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने बीजेपी की नींद उड़ा दी, उससे आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को बड़ा फायदा मिल सकता है। ये सभी मानते हैं कि सपा का यूपी में और कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन शानदार रहा। दोनों पार्टियों की सीटें इस लोकसभा चुनाव में बढ़ी। जिस यूपी में सपा को पिछले चुनाव में 5 सीटें मिली थी, उसे इस बार 37 सीटें मिली और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 6 सीटें और देश भर में उसको 99 सीटें मिली। सरकार भले ही इंडिया गठबंधन की ना बनी हो, लेकिन उसके प्रदर्शन से दोनों पार्टियों का मनोबल बढ़ा है। वही एनडीए की और बीजेपी की सीटें कम हुई है। लेकिन कांग्रेस के बागी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखते थे, राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे, वो अब राहुल गांधी पर हमला बोलने से कोई मौका नहीं छोड़ते। वहीं उन्होंने अब ये कहा कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाए। जी हां, ये बड़ा बयान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया है और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को चाहिए कि वो प्रियंका गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए। उन्होंने कहा कि देश भर में कांग्रेस पार्टी का जिस तरह से बुरा हाल हुआ है, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है, लेकिन प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात कहकर उन्होंने ये बता दिया कि प्रियंका गांधी एक अच्छी नेता है, देश भर में उनकी लोकप्रियता है। क्या कुछ कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को चाहिए कि वो प्रियंका गांधी जी को कांग्रेस की अध्यक्ष बनाए। कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा है, कांग्रेस पार्टी का जो हाल है, उसे देख के ना दया आती है, अफसोस होता है कि इतनी पुरानी पार्टी की हालत इतनी बुरी हो गई है और इस के लिए, इस बर्बादी के लिए ना नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, ना बीजेपी जिम्मेदार है, ना कोई और जिम्मेदार है। इस बर्बादी के लिए पिछले 15 सालों में जो कांग्रेस की बर्बादी हुई है, निरंतर ग्राफ गिरता जा रहा है। अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो राहुल गांधी जी हैं और राहुल गांधी जी की टीम है। तो प्रियंका गांधी जी को कहाँ से चुनाव लड़ाना है, कहाँ से नहीं लड़ाना, ये बहुत छोटी बात है। सच में अगर वो प्रियंका गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी का अगर सदुपयोग उनकी लोकप्रियता का करना चाहते हैं तो कांग्रेस की अध्यक्ष बनाए उनको, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रच दिया है। एक आदिवासी बेटी को भारत का राष्ट्रपति बनाकर, भारत में 3-3 राज्यों के मुख्यमंत्री बनाकर, और मैं ऐसा मानता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक और कामाख्या से द्वारिका तक भारत को एक रखने का, एक सूत्र में पिरोने का काम यदि किसी नेता ने देश की आज़ादी की बात किया है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। भारत में पैदा होने वाले हर व्यक्ति को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भी सपना था, ये महात्मा गांधी का भी सपना था। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, जो इस देश में पैदा होगा उसके लिए ये देश एक जैसा होगा और देश के लिए हर नागरिक एक जैसा होगा, तो इसमें कौन सी बुराई है? मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का फैसला या यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाने का फैसला भारत सरकार करती है तो सभी घटक दलों को, और मैं तो कहूँगा विपक्ष को भी उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि देश हित में, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना बड़ा ज़रूरी है।